हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ बहुत ही खूबसूरत ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल। आप इसे इंडियन ब्राइडल मेकअप भी कह सकते हैं या आप इसे वालिमा निकाह मेकअप भी कह सकते हैं। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से मैंने ये लुक अचीव किया है तो आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये गुड वाइब्स का 24K गोल्ड ऑयल है। तो इसे मैं एज अ फेशियल ऑयल यहाँ यूज़ कर रही हूँ एंड बहुत ही अच्छा ऑयल है ये। ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, प्लस ये स्किन को नरिश कर देता है, ब्राइट कर देता है। अगर आपके एक्ने हैं, एजिंग की प्रॉब्लम है, तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये अगर आपकी ड्रिंकल्स है, डलने से आपके चेहरे में, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है, ब्राइटन अप कर देता है ये फेशियल ऑयल। तो इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर। ये पर्पल का है, ये भी 24K प्राइमर है एंड काफ़ी लाइट वेट है। पोर्स को ये हाइड कर देता है, प्लस ये शाइन को भी कंट्रोल करता है, काफ़ी स्मूथ फिनिशिंग देता है ये स्किन पे। तो फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले मैं इसे अप्लाई करती हूँ। फिर मैं यहाँ फाउंडेशन के लिए ले रही हूँ, ये पर्पल का है। दिस इज़ क्रेम फ्रैपुचिनो क्या कॉमरेड समथिंग कुछ शेड है ये। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, तो डू चेक आउट। एंड बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है, मीडियम कवरेज देता है ये, स्वेट प्रूफ फाउंडेशन है, प्लस ये नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है इसका, मैट फिनिश देता है। और मुझे ये बहुत ही सुपर डुपर अफोर्डेबल लगा फाउंडेशन, मतलब इतने प्राइस में इतना अच्छा कवरेज दिया इस फाउंडेशन में। आई एम टोटली अमेज्ड एंड आई लव इट। एंड ये ड्राई स्किन, आई मीन ये ऑल स्किन टाइप के लिए फाउंडेशन है, बिल्कुल भी केकी नहीं लगता, बहुत ही ये स्मूथ फिनिशिंग देता है एंड आई हाईली रिकमेंड दिस फाउंडेशन। तो यहाँ पर मैं इसे ब्यूटी स्पंज के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैं ले रही हूँ स्टेक वर्की का ये हाइट महे की कंसीलर, नेचुरल फिनिश देता है। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो ये कंसीलर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। प्लस ये क्रीसलेस कंसीलर है, बहुत लाइट वेट है, तो आई हाईली रेकमेंड दिस कंसीलर। तो इसे मैं अपने यूजुअल हाईलाइट एरियाज पर अप्लाई कर रही हूँ एंड मैं रेकमेंड करूँगी अगर आपके बहुत ज़्यादा डीप यू नो डार्क सर्कल्स हैं या अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो आप कुछ इस तरह के लाइट कंसीलर यूज़ कीजिए। ज़्यादा हैवी कंसीलर मत यूज़ कीजिएगा, लाइट कंसीलर ही मैं सजेस्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये स्टेक वर्की का लूज पाउडर है, ट्रांसलूसेंट में है, शीयर फिनिशिंग देता है, प्लस ये बहुत ही सिल्की स्मूथ है ये फाउंडेशन। तो आई हाईली रेकमेंड दिस वन ऑल्सो एंड इट्स रियली अफोर्डेबल, बहुत ही सस्ता एंड अमेजिंग प्रोडक्ट है ये। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अपने आईलिड पे भी अप्लाई किया है। तो आज दोस्तों मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बहुत ही अफोर्डेबल एंड न्यू लॉन्च के NYBAE के मिनी आई शेडो पैलेट्स हैं। दीज आर ब्लिंकिंग आई शेडो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इनके कलर पिगमेंटेशन आपको दिखा रही हूँ स्वॉच करके, एंड दीज आर सुपर डुपर हाईली पिगमेंटेड आई शेडोज और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है इनका। मुझे बहुत ही मज़ेदार लगे ये आई शेडो पैलेट्स। मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये ब्लैक शेड लिया है, तो मैं यहाँ पे ट्रांजिशन शेड इसे ले रही हूँ और इसे अप्लाई कर रही हूँ अपने लिड पे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग ब्रश लिया है जिसके ब्रिसल्स बहुत कम है, इतने ज़्यादा मैंने हैवी ब्लेंडिंग ब्रश पिक नहीं किया है ट्रांजिशन शेड के लिए, क्योंकि मेरी आंखें हुडेड है, थोड़ी छोटी हैं, तो इसीलिए जो स्पेस है मेरे लिड का वो थोड़ा कम है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये थोड़े थिन ब्रिसल्स वाले ब्लेंडिंग ब्रश का उपयोग किया है। एंड मैं इसे अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड करूँगी, तो क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क शेड है, इट्स ब्लैक ऑब्वियसली, तो इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करना होता है। तो यहाँ पे मैं कट क्रीज बना रही हूँ, कट क्रीज के लिए मैंने सेम स्टेक वर्की का कंसीलर लिया है एंड उसे मैंने पूरे लिड को कवर करते हुए यहाँ पे कट क्रीज बनाया है। तो आज मैं बेसिकली मैं यहाँ पे आज NYBAE के न्यू लॉन्च आई शेडो पैलेट ही यूज़ करने वाली हूँ अपनी आंखों के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये एक और शेड पिक किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है ये, गोल्डन एंड ब्रॉन्ज शेड है ये। तो इन सबके लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ऑल्सो शेड नेम। एंड इसको मैंने अपने लिड के बिल्कुल सेंटर पे लगाया, तो यहाँ पे मैं कॉन्ट्रास्ट एंड थोड़ा सा ओम्ब्रे एंड ऐसी कुछ कह सकते हैं आप, वैसा लुक दे रही हूँ। तो यहाँ पे थ्री कलर्स का मैं लुक दूंगी। एंड मैंने यहाँ पे फिर एक और शेड पिक किया है विच इज़ पर्पल, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। दीज आर शिमर बेस्ड आई शेडो पैलेट्स एंड इनका जो कलर पे ऑफ भी बहुत अच्छा है एंड बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं हुआ था जब मैंने ये आई शेडोज अप्लाई किए। एंड आई वुड से कि वर्थ ऑफ मनी है ये आई शेडो पैलेट, पे आप ज़रूर पैसे इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज दीज आर दी सुपर ड्यूपर अफोर्डेबल पैलेट्स जो मुझे सीरियसली में बहुत अच्छे लगे। एंड यहाँ पे मैंने एक और शेड लिया है ये, तो इसे देख सकते हैं ये बिल्कुल
ब्यूटीफुल ये शैम्पेन एंड पिंकिश में है ये हल्का सा, तो इसे आप एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, या आप इसे अगर आप सटल सा लुक देना चाहते हैं तो तब उसके लिए भी आप इस आई शेडो को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने टियर डक पे अप्लाई किया है एंड यहाँ पे मैं ये पर्पल की मिनी लिपस्टिक ले रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा यू नो हैवी लुक देना है, तो उसके लिए मैंने ये शेड अप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैं ये न्यू लॉन्च्ड अगेन स्टेक हुआ की ये जेल आईलाइनर है, तो आज मैं जेल आईलाइनर यूज कर रही हूँ विंग आईलाइनर बनाने के लिए। के साथ ये ब्रश भी मिलता है जो बहुत ही थिन ब्रिसल्स हैं इसके और बहुत ही ईजिली अप्लाई हो जाता है आईलाइनर, एंड दिस आईलाइनर इज टू गुड। बहुत ही हाईली पिगमेंटेड है दोस्तों ये और स्मज प्रूफ है, प्लस जब मैंने इसे अप्लाई किया तो इसकी एप्लीकेशन वॉज सो डैम स्मूथ, मुझे मज़ा आ गया इसे अप्लाई करने में, मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि कोई कोई जेल आईलाइनर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं जब हम उसे अप्लाई करते हैं, बट दिस वन इट डजंट ड्राई एट ऑल एंड बहुत ही स्मूथली ये लग गया मेरे आँखों में। तो मैं यही वाला अपने वाटर लाइन पर भी अप्लाई कर रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आप इसे एज अ आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे एज अ काजल भी यूज़ कर सकते हैं, एंड ये भी बहुत सुपर डुपर अफोर्डेबल है, तो ये आप चेकआउट कर लीजिएगा। पर्पल में ये न्यू आया है, आई हाईली रिकमेंड दिस आईलाइनर, जेल आईलाइनर। फिर मैंने यहाँ पे ब्लैक आई शेडो लिया है, सेम एन वाई बे वाला जो शेड मैंने आपको दिखाया था वो मैंने हल्का सा मैंने अपने आउटर लैश लाइन पर अप्लाई किया है, बट मैंने उसे पूरा नहीं अप्लाई किया, आप देख सकते हैं कि मैंने अपने इनर थर्ड एरिया तक ही उसे अप्लाई किया। इसके बाद मैं ले रही हूँ ये पर्पल का कोल काजल है ब्लैक में, नो दिस इज़ नॉट ब्लैक, दिस इज़ ब्लू एंड बहुत ही ब्यूटीफुल शिमरी ब्लू कलर है, तो इसे मैं अपने इनर थर्ड पे अप्लाई कर रही हूँ, इनर थर्ड सॉरी जो पहले वाला था वो आउटर थर्ड था, ये इनर थर्ड है, तो इस पर मैंने इसे अप्लाई कर लिया, मतलब हाफ में मैंने ब्लैक अप्लाई किया एंड हाफ में मैंने ब्लू अप्लाई किया, तो आप लोग समझ लीजिए। एंड यहाँ मैं ये पर्पल का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ विच इज़ माई फेवरेट एंड बहुत ही बढ़िया ये वॉल्यूम देता है, लेंथ देता है लैशेज को, तो इसे मैं अपने अपर लैशेज पे एंड लोअर लैशेज पे अप्लाई कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे अगेन शीन के लैशेज लिए हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं, ये बहुत ही लॉन्ग लैशेज हैं, बहुत ड्रामेटिक लुक देता है, विच आई जस्ट लव दीज सॉर्ट ऑफ आई लैशेज, तो मैंने इसे अप्लाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ द आर्डल ग्लू। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ये शुगर का है आज ब्राउ डिफाइनर, चेरी ब्राउन शेड है ये, तो इसकी हेल्प से मैं फटाफट यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ एंड मैंने फिल कर दिया है सेम एन वाई बे वाला शिमरी शेड से ही, ये शिमरी है आई शेडो बट उतना शिमरी भी नहीं है, ये ठीक ठीक है, लाइक इसे आप अपने आईब्रोज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसी से आईब्रो भी फिल कर दिया है, बट मैंने यहाँ पे बहुत ही लाइट बनाए हैं इस बार आईब्रोज, ज़्यादा हैवी नहीं बनाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पिछली वीडियो में ना मैंने बहुत ज़्यादा हैवी कर दिया था मेरे ब्राउज, तो दिस टाइम मैंने बहुत लाइट सटल रखा है मेरे ब्राउज, तो जो ज़्यादा यू नो ड्रामेटिक ना लगे, ज़्यादा आर्टिफिशियल ना लगे, थोड़ा सा नेचुरल लगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे बहुत लाइट हैंड यूज़ करते फिल किया है एंड मैं यहाँ पे इसे ब्रश की हेल्प से इसे ब्रश कर रही हूँ ताकि जो हेयर डायरेक्शंस होते हैं ना वो अच्छे से उसी वे में जा रहे हो। फिर मैंने ये पिंक वाला शेड लिया एन वाई बे का आई शेडो और इसे मैं अपने ब्राउ बोन पे भी अप्लाई कर रही हूँ, आप इसे एज अ हाइलाइटर भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल शिमर शेड है ये। तो अब मैं यहाँ फटाफट कॉन्टोरिंग भी कर लेती हूँ, तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये स्टेक वर्की का बैड एस है मिनी पैलेट है ये 3 in 1 एंड इसमें आपको कलर करेक्टर मिलेगा, कॉन्टोर के लिए है एंड कंसीलर है, ये वाला जो शेड है आई थिंक ये थोड़ा सा मीडियम स्किन टोन के लिए है और इसमें जो कॉन्टोर शेड है इट्स ऑल्सो वेरी गुड, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये वॉर्म में है, वॉर्म अंडरटोन है ये जो जिससे मैं कॉन्टोर कर रही हूँ एंड इसमें जो ऑरेंज कलर करेक्टर है वो आप एज अ करेक्टर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं उसे एज अ कॉन्टोर भी यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ करेक्टर्स फॉर माई फेस, मैंने कभी नहीं किया करेक्टर यूज़ क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी, बट अगर आपको ज़रूरत है तो आई हाईली रिकमेंड दिस पैलेट, इट्स सुपर क्रीमी एंड ऑल्सो बहुत ही अच्छा, इसका बहुत ही पिगमेंटेड है, तो इसे मैं अपने यूजुअल कॉन्टोर एरियाज पे अप्लाई कर रही हूँ एंड यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दी कॉन्टोर ब्रश मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी, तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इसे अपवर्ड मोशन में, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन में मैं हमेशा ही ब्लेंड करती हूँ कॉन्टोर को, क्योंकि उससे क्या होता है कि ऊपर की तरफ भी वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड थोड़ा सा नीचे की तरफ भी एक्सटेंड करते हुए वो ब्लेंड हो जाता है। देन मैं यहाँ नोज़ कॉन्टोर कर रही हूँ, नोज़ कॉन्टोर के लिए मैंने छोटा वाला ये ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया है, इट्स नॉट अ ब्लेंडिंग ब्रश बट आई शेडो ब्रश ही है ये,
बट आई थिंक ये बफर वाला ब्रश है आई शेडो, तो उसकी हेल्प से मैं अच्छे से पूरे प्रोडक्ट को ब्लेंड कर देती हूँ फॉर नोज एंड ऑल्सो फॉर लिप्स. एंड ये एले गर्ल का मैंने स्पाइस पैलेट लिया है, इसमें से मैंने ब्लश लिया है ऑरेंज वाला, ऑरेंज नहीं सॉरी कोरल वाला, तो ये फ्रेश लुकिंग बना देता है एज यूजुअल. आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स अबाउट दिस ब्लश, क्योंकि ये कोरल वाले शेड्स मेरे फेस के लिए बहुत अच्छा लगता है. आई डोंट नो व्हाई बट मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग मुझे यही ब्लश अच्छा लगता है. एंड देन मैं यहाँ पे मेकअप को अच्छे से सेट करूँगी विद द हेल्प ऑफ मेकअप रेवोल्यूशन सेटिंग स्प्रे विच इज़ माई फेवरेट. एंड ऑल्सो ये मैट फिनिश है, बहुत अच्छा ये लुक देता है, काइंड ऑफ एयरब्रश कह सकते हैं हम, तो मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगी दिस सेटिंग स्प्रे. एंड फॉर द हाईलाइटर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, ये न्यू है, ये भी अगेन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है इसके बारे में, रिव्यू दिया है मैंने. इट्स सुपर डुपर अफोर्डेबल एंड इट्स क्रीम बेस्ड हाईलाइटर्स. तो यहाँ इसमें दो डुअल है, ये डुअल हाईलाइटर है, इसमें दोनों शेड्स आपको मिलेंगे. थोड़ा डार्क होगा जो आप एज अ ब्रॉन्जर यूज़ कर सकते हैं, यू कैन से कॉन्टो, एंड ऑल्सो आप हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं उसे. तो एक थोड़ा सा डीप शेड है एंड थोड़ा सा लाइट शेड है, दोनों का कॉन्कॉक्शन मैंने अप्लाई किया है बिकॉज ब्राइडल को दे रहे हैं तो थोड़ा सा ब्राइडल चमकनी चाहिए एंड थोड़ी ग्लोई लगनी चाहिए हमारी ब्राइडल. तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों शेड्स अप्लाई कर दिए. और उससे अच्छे से आप फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं, क्रीम बेस्ड ये हाइलाइटर्स है तो ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं. फिर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये NY की है ये लिपस्टिक, दिस इज़ ऑल्सो बहुत ही बढ़िया लिपस्टिक है ये, सुपर डुपर पिगमेंटेड एंड कलर पे ऑफ इज टू गुड. तो इसे मैं एज अ बेस अप्लाई कर रही हूँ पहले, इट्स अ रेड शेड, इसका शेड भी मैं मेंशन कर दूंगी आपके लिए. एंड इसको मैं एज अ बेस इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे मैट लिक्विड लिपस्टिक दे रही हूँ, तो उससे क्या होगा कि जो कलर होगा बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड लगेगा, प्लस काफ़ी समय तक आपके लिप्स पे भी रहेगा. तो तभी मैं यहाँ पे दो दो लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ. बट अगर आपको नहीं पसंद है, आपको लगता है कि चलो यार एक ही लिपस्टिक में हो जाता है, तो आप एक ही लिपस्टिक लगा लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आप मिक्स करके भी लगा सकते हैं. एंड तो यहाँ पे आज मैं करूँगी हल्का सा, मैं छोटा सा ट्यूटोरियल दे रही हूँ, हेयर ट्यूटोरियल. यहाँ पे सिंपल हेयर बना रही हूँ मैं, हेयर स्टाइल कुछ ज़्यादा इतना वो नहीं है, लटक झटक नहीं बनाऊँगी, हेयर स्टाइल भी बहुत ईजी बनाने वाली हूँ. तो यहाँ टोनी एंड गाय का मैंने ये हेयर सेटिंग स्प्रे, आई थिंक ये सेटिंग स्प्रे है, ऐसे कुछ स्प्रे है, तो इसको मैंने अप्लाई किया. इससे क्या होगा, जो बेबी हेयर होते हैं ना वो इतने नज़र नहीं आते. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से मैंने सेक्शन किए हैं, सेक्शन करते हुए मैंने बालों को ट्विस्ट करके कुछ इस तरह से मैंने बॉब पिन लगा लिया है. एंड बहुत ही आसान है ये, आपको भी आता होगा, काफ़ी ट्रेंड में था ये पहले एंड अभी भी है आई थिंक सो, बट मैं तो इतना करती हूँ, मैं हमेशा अपने बाल ओपन ही रखती हूँ, सिंपल ही रखती हूँ. तो ये ब्राइडल को देते हैं ये वाला हेयर लुक बिकॉज थोड़ा हैवी हो जाता है, बट मैंने तो इतना हैवी नहीं किया, मैंने बहुत सिंपल वे में किया है. क्योंकि अगर आपको हेयर से